एनसीपी में फूट के बाद अब शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट आमने सामने है। आज दिन भर क्या हुआ, सबसे पहले आपको 10 अपडेट्स के बारे में बताते हैं। तो पहली खबर यही है कि एनसीपी में फूट पर शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दूसरी खबर, अजीत पवार गुट ने नई टीम बना ली है, सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार खेमे ने महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष पद से संजय जो जयंत पाटिल थे माफ कीजिएगा उन्हें हटा दिया है। बागी गुट ने अजीत पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता भी आज चुन लिया। वहीं अजीत पवार गुट ने शरद पवार से अपील की कि गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर आप आशीर्वाद हमें दे दीजिए। शरद पवार गुट का दावा है कि पार्टी के संविधान के हिसाब से अजीत पवार गुट को कोई अधिकार नहीं है। पार्टी के संविधान और चुनाव आयोग के हिसाब से शरद पवार ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार किसी को भी सस्पेंड करने और पार्टी से निकालने का अधिकार उन्हीं के पास है। शरद पवार गुट ने सांसद प्रफुल्ल पटेल, ध्यान से सुनिएगा, सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। प्रफुल्ल पटेल को सबसे करीबी लेकिन अब बागी हो चुके हैं एनसीपी नेता अजीत पवार ने के साथ साथ सभी 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। आप समझ गए होंगे, दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। मतलब अब पार्टी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे में कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या अब की बार अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को सियासी दंगल में पटखनी दे देंगे। चार साल पहले भी अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके डिप्टी सीएम की कुर्सी पाई। दावा पार्टी के सभी विधायकों के समर्थन का था, लेकिन 72 घंटे में भतीजे के दावे की पोल खुल गई। चाचा ने अकल ठिकाने लगाते हुए तब बाजी पलट दी। चार साल बाद एक बार फिर भतीजा बागी हुआ, बगावत का झंडा बुलंद कर डिप्टी सीएम बन गया। दावा 54 में से 40 विधायकों के समर्थन का है, लेकिन क्या एक बार फिर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी शरद पवार अपने बागी भतीजे के नहले पर दहला चल देंगे? क्या एक बार फिर वही सीन होगा जैसा 2019 में हुआ था? क्या भतीजे की पार्टी तोड़ने वाले दुस्साहस का दम निकाल देंगे? क्या अजीत पवार के अति आत्मविश्वास को शरद पवार अपनी सियासी पकड़ से अर्श से फर्श पर पहुंचा देंगे? सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। सभी एक सभी सभी का ना सभी में सवाल। अजीत पवार का दावा है कि एनसीपी के सभी नेताओं का समर्थन हासिल है, लेकिन शपथ के कुछ घंटों बाद एनसीपी के अंदर से विरोध की आवाज उठने लगी। पहले पार्टी दफ्तर में अजीत पवार के साथ मंत्री बने विधायकों की तस्वीरें हटाई गई, फिर शरद पवार ने अपने अंदाज में पार्टी छोड़ने वालों को पैगाम दे दिया। पैगाम ये कि पार्टी छोड़कर जाने वालों के भविष्य का फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। ये लड़ाई महाराष्ट्र की जनता बनाम अजीत पवार के खेमे में गए विधायकों की लड़ाई है। यानी 83 साल की उम्र में शरद पवार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए खुद को फिट मानते हैं। आज सतारा में पवार ने ऐलान कर दिया कि आगे क्या होने वाला है। राज्य राज्य से लोकशाही सांसद से विश्वास हटाया, या शक्ति न धक्का देता है, या प्रवृत्ति है, या पूर्ण फलन बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हिताच्या साठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही आपण निर्माण करू। संकेत साफ है कि अब की बार माफी नहीं बल्कि पार्टी से बगावत बहुत महंगी पड़ेगी। इस बार पार्टी में फूट के बाद मोर्चे पर सुप्रिया सुले डटी है। दावा यही कि अगले 72 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। MLA ऑफ NCP इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। अभी हर MLA जो NCP का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। जिला परिषद असतील, तालुका पंचायत असतील, महानगर पालिका, नगर पालिका, आमदार की, खासदार की, तशाच प्रकारे जे पक्षाचं चिन्ह आहे, पक्षाचं नाव आहे, त्याच नावाखाली चिन्हाखाली आम्ही सगळेजण निवडणुका लढवणार। इधर पवार एक्टिव हुए, उधर अजीत पवार के खेमे में गए विधायकों की घर वापसी की खबरें आने लगी। मतलब 2019 में जैसे भतीजे को जवाब दिया था, एक बार फिर ऐसी ही क्या तैयारी है?
बगावत करने वालों पर एनसीपी ने एक्शन शुरू कर दिया। अजित पवार समेत 9 विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे पर बड़े और कड़े एक्शन के लिए सुप्रिया सुले ने शरद पवार को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के दफ्तर से प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरें हटाई गयी। जल्द पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों पर कार्रवाई का हंटर चलेगा। सवाल सीधा सा, एनसीपी के 54 विधायकों में अजित पवार को कितने विधायकों का समर्थन है? अगर पार्टी में फूट के बाद 2/3 विधायकों का सपोर्ट है तो समर्थन की चिट्ठी कहाँ है? क्या अजित पवार ने पार्टी विधायकों को गुमराह कर मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाई है? क्या अजित पवार के पास पार्टी तोड़ने के लिए पर्याप्त सदस्य मौजूद नहीं है?